राम राम भाई सारिया ने, क्या हाल है सबके। तो आज आया है अपने पास आईफोन XR बैक ग्लास चेंज होने के लिए। आईफोन के अंदर सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है कि बैक ग्लास बड़ा जल्दी टूट जाता है, तो चेंज कंपनी जाके करवाते हैं तो आप बहुत महंगा मिलता है आपको, कि मतलब कंपनी सीधा कहती है कि बॉडी चेंज हो गई इसकी पूरी। छोटा फ़ोन है तो 11-12 हज़ार रुपये, बड़ा फ़ोन है तो 15-20 हज़ार रुपये, और बड़े मॉडल हैं 14 प्रो मैक्स ये सब सीरीज हैं तो और ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपये बॉडी के मांगते हैं। तो भाई बैक ग्लास अपना सस्ते में दाम में हो जाता है 500, 700, 800, 1000, 1500, 2000, बस मैक्सिमम यही है, इससे ऊपर कोई ग्लास नहीं है। और बढ़िया क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का और फिनिशिंग के साथ काम करके दिया जाता है। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो भाई अंदर वाली शॉप पे रिपेयर कर रहा है, बैक ग्लास चेंज कर रहे हैं, मतलब आईफोन XR का। तो वो आपको चेंज करते हुए मैं दिखाता हूँ, अभी बने रहे वीडियो में, पूरी देखना कैसे कैसे प्यार से और कैसे फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है, वो चेक करना आप। चलो गाइज मिलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर सीधा। तो गाइज आप पहुंच गए हैं सीधा अंदर वाली शॉप पे, जो अपना सर्विस सेंटर बनाया हुआ अपने, वहाँ पे पहुंच गए हैं। ये जिस पे फ़ोन रखा हुआ है ये स्प्लिटर मशीन का, ये इसको तवा बोल देते हैं, इससे फ़ोन गर्म होता है। ये ज़्यादातर स्क्रीन वगैरह उतारने के लिए और फ्रंट ग्लास जो टूटे होते हैं ना फ़ोनों के, वो उतारने के काम आता है। तो ये अपने बढ़िया वाला लिया हुआ है, इसके अंदर फ़ोन टाइट कर सकते हैं, मतलब जिससे कि फ़ोन इधर उधर हिले ना, तो ये पकड़ के इसको आराम से काम हो सकता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, किसी भी दुकानदार भाई को चाहिए हो तो यही लेके आए, जिसमें फ़ोन आराम से ग्रिप बन जाए कि पकड़ पाए, टाइट हो जाता है ये फ़ोन डालने के बाद, है ना, एक जगह इसको कंट्रोल करके छोड़ सकते हो, फ़ोन इधर उधर भागेगा नहीं। फिर बाकी कई कंप्रेसर वाले भी आते हैं, इसमें भी कंप्रेसर होता है जिससे कि फ़ोन हवा खींचता रहता है, वो हिलता नहीं है, उससे भी वो भी फ़ायदा, लेकिन उसमें कंप्रेसर कई बार ख़राब हो जाता है चलते चलते। तो इसमें बेस्ट है कि अगर कंप्रेसर ख़राब भी हो गया 1% आपका, तो इससे चलता रहेगा। तो भाई ने कर दिया ग्लास उतारना शुरू, संदीप भाई रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने उतारना शुरू करा है ग्लास। ग्लास देखिए आप कैसे टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा तरीके से टूटा हुआ है, तो ये आराम से उतरेगा। सबसे पहले ये ग्लास उतारने वाला हथियार चक्कू टाइप के अंदर है, ये एक आगे ब्लेड लगा होता है तीखा और पीछे हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, और एक चाहिए अपने को हीट गन, जिससे कि हल्की हल्की हीट मार के फ़ोन को उतारते रहें ग्लास को। और फ़ोन को हीट मारते टाइम ऊपर ध्यान रखें कि कैमरा जहाँ पर है, भाई ने वो लगा रखा है ना सिल्वर कलर का रैपर या कुछ ऐसी चीज़ लगा दो, ताकि कैमरे के ऊपर बाई चांस गलती से भी हीट ना लगे, कि जिससे कस्टमर का कैमरा ख़राब ना हो। कोई भी भाई ग्लास उतारता है हाथों से विदाउट लेज़र लाइट के, तो लेज़र लाइट से भी उतराते हो तब भी ये लगाना ज़रूरी है, लेज़र लाइट से भी तो वैसे ग्लास चेंज होता है, उतना ही टाइम उसमें लगता है, लेकिन इसमें 5-10 मिनट फालतू लग जाते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें काला काला नहीं जमता फ़ोन के अंदर, है ना, लेज़र लाइट से हाथ बात सब काले वाले हो जाते हैं, बड़ा दिक्कत होती है क्योंकि उसमें वो जला देती है ना लेज़र लाइट कलर को, और ग्लू होती है उसको जला देती है। इसमें हाथ काले नहीं होंगे एक तो आपके, और एक आराम से उतर जाएगा बढ़िया तरीके से, लेज़र लाइट से भी बड़ा आसानी से उतर जाता है वैसे तो, लेकिन उसमें काला काला हो जाता है सब कुछ, जुगाड़ है ना सिस्टम, काला काला हो जाता है उसमें, तो ये दिक्कत आती है। तो इसकी वजह से आप इसको कर रहे हैं हाथ से ही। अब देखिए ये नीचे काला काला दिख रहा है, गोल्डन कलर का दिख रहा है कुछ ऐसा, यहाँ से बड़ा ध्यान से उतारना पड़ेगा आपको, कि इसके ऊपर आपका चक्कू जिससे उतार रहे हो हथियार से वो अंदर ना लग जाए। तो अगर उसके ऊपर लग गया, कोई वायर कट होगी, तो आपका वायरलेस चार्जर बंद हो जाएगा, कस्टमर का मतलब फ़ोन है तो कस्टमर की वायरलेस चार्जिंग बंद हो जाती है उसकी वजह से। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े, आप जिस चक्कू से उतार रहे हो उससे कोई भी लगे ना, तारे वारे कट ना हो या बोर्ड शॉर्ट ना हो। तो बड़ा ध्यान से सोच समझ के उतारना, कोई भी भाई कोशिश कर रहा हो ऐसे उतारने की तो विदाउट लेज़र के, लेज़र करवाने के बाद भी अगर आप उतारते हो कई बार तो उसके ऊपर गलती से लग जाता है, जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं, तो जल्दबाजी वाला काम नहीं है, थोड़ा प्यार से करना पड़ेगा। हमें भी इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगी आराम से उतारने में, या तो थोड़ी वीडियो स्पीड के अंदर चल रही है तो आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है ये हीट करके उतारना, लेकिन इसको मज़े ज़्यादा आते हैं लेज़र लाइट से, ज़्यादा मज़े आते हैं उतारने को ना, धीरे 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 बड़े मज़े आते हैं। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का सब जो मैं आपको बता रहा हूँ उतारते टाइम खास करके। तो अब देखते रहो आप भाई कैसे कैसे उतार रहे हैं, जहाँ पे ये एरिया होता है ना यहाँ पे बड़ा आसानी से उतर जाता है, जहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के कनेक्शन दिया होता है यहाँ पे बड़ा आसानी से उतर जाएगा, आपको लगेगा कि बायस उतर गया। बाकी जो होता है ना इसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है, अगर ये कम टूटा हो एक आधे कोने से तो इसको तोड़ना पड़ेगा पहले आप ग्लास को, कि आसानी से उतर पाए, ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर उतर नहीं पाएगा, ये कोई चीज़ आती है कि इसको ना पंच करके तोड़ने के लिए, तो वैसे ज़्यादा टूटा ही हुआ था ये देखो, थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन हो जाएगा बढ़िया प्यार से। और इसकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया आएगी ना, आप अगर इसकी हड्डी देखो अभी भी निकल के ना उसके अंदर रखा हुआ था तब भी, ये देखो दोबारा भाई टाइट कर रहे हैं मशीन से इसको, उछल गया था उसके साथ ही, चक्कू उड़ गया था ना उसके अंदर कांच के अंदर, तो फ़ोन गिरा वहाँ जाके दूर बच गया, शुक्र नीचे नहीं गिरा, नहीं तो हो जाता कांच स्क्रीन का।
वैसे तो इतनी जल्दी टूटती नहीं आईफोन का, बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब बनाई होती है स्क्रीन वगैरह, बैक ग्लास वगैरह लगता है अपने कोई आसानी से टूट जाता है, कोने से लग जाता है या कोई कोना गया पत्थर पे गिर गया, कोना लग गया किसी चीज़ का तो जाके टूटता है, सीधा फ़ोन गिरेगा ना आपका हमेशा तो बच ही जाएगा 99%। टेढ़ा मेढ़ा कोना लग गया तो हो सकता है कि टूट जाए, फिर तो कोई इलाज ही नहीं है। रिपेयरिंग का सारा भाई, सारा काम संदीप भाई देखते हैं, देख लीजिए क्या मस्त हो गया है। ये अब कोने रह गए ना, ये थोड़े से दुखी करेंगे उतरने में ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सी मुश्किल होती है। अभी कैमरे के पास में से उतारेंगे, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान से उतारना पड़ेगा। उतरने के बाद देखना, इसको अपन ट्रांसपेरेंट कलर का भी ग्लास उतार सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर का ग्लास आता है इसका। अगर किसी भाई को पीछे से ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, ऐसा ही सेम जैसा दिख रहा है, अगर ऐसा ही ग्लास लगाना है तो ऐसा भी ग्लास लग जाता है, उसमें फ़ोन का पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, फ़ोन का जो भी है ना ये सिस्टम ब्राउन कलर दिख रहा है ये भी दिखेगा। तो देख लीजिए लगभग सारा ग्लास उतर गया, खाली कैमरे वाला ऑप्शन रह गया है, कैमरे वाला ऑप्शन का ग्लास उतर रहा है बस, जहाँ पे कैमरा ना वहाँ पे थोड़ा ध्यान से उतारना पड़ेगा बगैर हीट मारे हुए, क्योंकि यहाँ पे कैमरे की फ्लैश लाइट भी होती है, कैमरे का पार्ट्स भी है और माइक भी है। यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, वहाँ पे कैमरे का माइक है, जिससे कई बार होता है ना कि अपना माइक में दिक्कत आ जाती है, कैमरा रिकॉर्ड करते वीडियो तो आवाज़ नहीं आती, यहाँ पे ये माइक भी लगा होता है। जहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ना, ब्लैक डॉट, ब्लैक के पट्टी के ऊपर नीचे डॉट है दो, वहाँ पे नीचे माइक है इसका कैमरे का। तो लगभग सारा ग्लास उतर गया है, बस अब खाली फिनिशिंग करने वाली रह गई है। साइड में रिंग लगी होती है इसके अंदर पतली पतली, जहाँ पे ग्लास साइडों में रुका होता ना, उसके पास से बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये कैमरे का लगभग ग्लास उतर गया है, वो चक्कू चेंज कर दिया है, पतला आ गया ना कैमरे के पास उतारने के लिए, ये इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ने वाली है ये जुगाड़, इसको बोलते हैं पंचिंग। देखो टूट गया ना ग्लास, और ज़्यादा चूरा हो जाता तो फिर आराम से उतर निकल जाता है, ज़्यादा चूरा हो जाएगा तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ग्लास चेंज करते टाइम। ये देखिए दूसरा ब्लेड लग गया है पतले वाला, तो इससे आराम से हो जाएगा काम, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें तो, कई बार तो हाथ भी छिल जाते हैं चेंज करते करते ना, एकदम अंगूठा उंगलियाँ इधर उधर हुई तो कांच होता है वो चुभ जाता है साइडों में ना, अंगूठों पर लग जाता है। कर दिए, हो गया क्लीन लगभग। ये देखिए आप कैमरे पास अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये सारे इसी से उतरेंगे, छोटे वाले से ही, बड़े वाले का काम ख़त्म हो गया, अब छोटे वाले से काम हो रहे हैं सारे। एक इसमें ब्रश की भी ज़रूरत पड़ती है आपको बार बार उतारने के लिए, एक ब्लेड है, ब्लेड से भी कई बार काम करना पड़ता है। ये ग्लू लगी हुई थी, ये ग्लू भी क्लीन करनी पड़ती है इसकी, इसके साथ से तो आराम से हो जाते, नहीं तो यहाँ पे अगर लेजर से करवाया तो बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता। और ये देखिए अपने पास सब मॉडलों के ग्लास अवेलेबल मिलेंगे आपको, आईफोन 8 से लेके 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स भी आ गया अभी तो, उसके भी ग्लास अवेलेबल हैं अपने पास सारे, बेस्ट क्वालिटी के और बेस्ट प्राइस के मिलेंगे आपको, और फिटिंग आएगी इनकी एक नंबर। ये देखिए ग्लास क्लीन हो गया पूरा, फ़ोन का पूरा क्लीनिंग कर दिया अच्छे से हो गई है। पूरी क्लीनिंग होने के बाद अब आपको ग्लास रख के इसके ऊपर दिखाएंगे, तो देखिए आप पूरा एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है, माइनर माइनर दिख रहा है ये क्लीनिंग हो रही है। ये क्लीनिंग होने के बाद हल्का हल्का चारों तरफ से जो है ना ग्लू इसके ऊपर हाथ लगा के देख रहे हैं भाई आराम से, कि ताकि दिक्कत ना हो कोई, ऊंचा नीचा कांच उछर नहीं रह जाए, ताकि हल्का सा दबाव देंगे तो टूट जाएगा कांच, फिर अगर कुछ भी रह गया होगा नीचे तो कांच टूटने का डर रहता है। तो आपको वीडियो देखो कैसी लगी है, देख के बताओ, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और देखिए फिटिंग क्या आई है मस्त लगने के बाद। ये अपना